तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 2016 में आई एक जैपनीज हॉरर मूवी पर जिसका नाम है हॉन्टेड कैंपस। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 out of 10 एंड 96% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हमें यूनिवर्सिटी के कुछ टीनेजर्स की कहानी दिखाई गई है, जिनका एक पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का एक ग्रुप होता है, जिनका एनकाउंटर दो केसेस में दो भूतों से होता है, और ये लोग कैसे सब सिचुएशन हैंडल करते हैं इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, और सभी लोग काफी खुश थे सिवाय एक लड़की के जिसका नाम था किरिको। अब वो अचानक से गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यूनिवर्सिटी के बी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। अब इस लड़की ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। फिर हम कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में कुछ फ्रेशर्स को देखते हैं, और यहाँ हमें शिंजी उर्फ सेनपाई नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास भूतों को देखने की एबिलिटी थी, और इसके एबिलिटी के बारे में उसके सिवाय और कोई भी नहीं जानता था, और वो भी इसका जिक्र नहीं करता था। इंट्रोडक्शन के हमें बताया जाता है कि सेनपाई एक डरपोक किस्म का इंसान था जो भूतों को देखकर उनसे दूर भागता था। यूनिवर्सिटी में सेनपाई की मुलाकात उसकी स्कूल फ्रेंड कोयोमी नाडा से होती है, और सेनपाई नाडा को बचपन से ही चाहता था पर उसने इसके बारे में उससे कभी भी नहीं बताया। ये दोनों कुछ देर बात करते हैं और नाडा बोलती है कि उसने एक नया क्लब ज्वाइन किया है जिसका नाम है ऑकल्ट रिसर्च लैब, जिसका मैनेजर नाडा का एक फ्रेंड था। असल में ऑकल्ट रिसर्च लैब एक तरीके से घोस्ट क्लब था जिसमें वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे। अब भले ही सेनपाई भूतों से डरता था, वो सिर्फ नाडा के लिए वो क्लब ज्वाइन कर लेता है। क्लब के मैनेजर का नाम था रीना टारो, और उसके साथ थी आई मिटामोरा और मैनेजर का भाई इजुमी। इजुमी भी ठीक सेनपाई की ही तरह भूतों की प्रेजेंस महसूस कर सकता था और उन्हें कुछ हद तक देख सकता था, पर सेनपाई के पास उससे ज्यादा पावर्स थी। वो भूतों को देख भी सकता था और उनसे बात भी कर सकता था। एक दिन ऐसे ही सेनपाई अपने रिपोर्ट्स प्रोफेसर को देने जाता है, पर वो प्रोफेसर सेनपाई के रिपोर्ट्स नहीं लेता और उसे वहां से जाने बोलता है। अब गाइज आप इस प्रोफेसर को याद रखना। आगे इनके क्लब के पास एक बंदे का केस आता है जिसका नाम था इटोउ, और वो कहता है कि उसके हॉस्टल के रूम में एक लड़की का चेहरा दीवार पर बना हुआ है। और ये सिर्फ यही पर नहीं, इटोउ जहाँ भी अपना कमरा शिफ्ट करता है उस कमरे में उसके साथ ये चेहरा भी अचानक से दीवार पर आ जाता है। इसे देखकर सभी हैरान थे और वो सब इटोउ के कमरे में देखने जाते हैं, और उस कमरे में सही में एक लड़की का चेहरा बना हुआ था। इजुमी बोलता है कि ये चेहरा शायद किसी चीज के चलते यहाँ आया है। इटोउ के पास कई सारी एंटिक चीजें थी जिसके अंदर से एक फिंगर डॉल को लेते ही सेनपाई को एक विजन आता है उसके एबिलिटी के चलते, जिसमें एक लड़की की आत्मा चाकू लेके एक आदमी को जान से मार देती है और फिर खुद भी फांसी लगा लेती है। फिलहाल तो सेनपाई इस विजन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं कहता, पर तभी अचानक से उस दीवार से वही लड़की की आत्मा बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगती है, और वो नाडा को पजेस करने ही वाली थी कि तभी इजुमी एंड सेनपाई दोनों ये देख लेते हैं और तुरंत सबको बाहर ले आते हैं, और यहाँ सभी को सेनपाई की एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। सब मिलके डिसाइड करते हैं कि इटोउ ने ये एंटिक बॉक्स एंड डॉल जिसके पास से ली है उसे वो ये वापस कर देंगे। जैसे ही ये लोग उस शॉपकीपर के पास जाते हैं उन्हें एक भयानक कहानी यहाँ पता चलती है। असल में वो फिंगर डॉल कागाटा मायूमी नाम के एक लड़की की थी जो असल में उस शॉपकीपर के स्कूल लवर थी। कागाटा पहले काफी खुश रहा करती थी, पर एक दिन उसके पिता चल बसे और उसके मॉम ने दूसरी शादी कर ली। पर उस शादी के बाद जल्द ही कागाटा की मॉम भी किसी बीमारी के चलते चल बसी, और तब से ही उसका स्टेप फादर उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। पर एक दिन गुस्से में आकर कागाटा ने अपने स्टेप फादर को चाकू से मार दिया और खुद भी फांसी लगा ली। सभी ये सुन ही रहे थे कि तभी सेनपाई कागाटा की आत्मा को देखता है जो उससे कुछ बात करने आई थी। असल में कागाटा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे उसके स्टेप फादर ने घर के फ्लोर में जिंदा ही दफना दिया था और मार दिया था, और कागाटा यही चाहती थी कि उसके बच्चे के बॉडी को रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाए। सभी ऐसा ही करते हैं और कागाटा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब इन लोगों ने मिलकर पहली केस तो सॉल्व कर ली थी।
अब इनके पास अभी मेन केस आना बाकी थी। सेनपाई एंड आई बैठे थे तब सेनपाई को कैंटीन के कांच के पास वही लड़की की आत्मा दिखती है जिसने शुरुआत के सीन में आत्महत्या की थी। उन्हीं के साइड टेबल पर प्रोफेसर बैठे थे जो इनको कुछ बताना चाह रहे थे, पर वो ईगो प्रॉब्लम के चलते शांत रहते हैं और इनसे बात नहीं करते। अब सभी लोग इस केस के पीछे लग जाते हैं कि असल में सच में सुसाइड हुई थी या नहीं, पर इन्हें पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने अपने रेप्यूटेशन के लिए ये सुसाइड वाली बात छुपाई हुई थी। पर सेनपाई को कैंटीन का वेटर इस सुसाइड के बारे में बता देता है और जब सेनपाई उस बी बिल्डिंग के पास जाता है तो सेनपाई को उस जगह पर क्या हुआ था इसका पूरा विजन देखने मिलता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस काम के चलते नाडा जिससे वो पसंद करता है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि घोस्ट हमेशा किसी कमजोर बॉडी के तलाश में रहते हैं और नाडा सबसे वीक थी, और अगर वो सेनपाई के साथ ज्यादा रही तो घोस्ट उसे पजेस कर सकते हैं और इसीलिए सेनपाई क्लब छोड़ देता है। पर कई दिनों तक सभी लोग उसे मना रहे थे और एक दिन नाडा के कहने पर सेनपाई फिर से क्लब को रिजाइन कर लेता है और पार्टी में काफी शराब पी लेता है। जब प्रोफेसर वहाँ क्लब में आता है तो सेनपाई नशे में प्रोफेसर को काफी टॉन्ट मार के उस सुसाइड के बारे में सब कुछ उगलवा लेता है, और असल में किरिको ने जब सुसाइड की थी तब वो एग्जाम में फेल हो गई थी, पर प्रोफेसर के हिसाब से सिर्फ यही रीजन नहीं था, और भी कुछ रीजन था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। एंड प्रोफेसर ये भी बोलता है कि जब से किरिको ने सुसाइड की है तब से प्रोफेसर की बेटी टोमोई ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही, और उसने कॉलेज भी आना बंद कर दिया है और प्रोफेसर को इनकी मदद चाहिए थी। सेनपाई प्रोफेसर की मदद करने के लिए रेडी था और उसके लिए अगली रात को वो प्रोफेसर के बेटी को कॉलेज लाने बोलता है, और ये लोग एक बड़े से रूम में ओइजा बोर्ड वगैरह ले आते हैं ताकि वो स्पिरिट से कॉन्टेक्ट कर पाए। प्रोफेसर एंड उसकी बेटी टोमोई भी अगले दिन वहाँ आती है और यहाँ से अब मजा ही मजा आने वाला था। सभी लोग ओइजा बोर्ड पर हाथ रखते हैं और किरिको के स्पिरिट को बुला रहे होते हैं, और मैनेजर पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट मौजूद है, तो जवाब में यस आता है और टोमोई हंसने लगती है, पर किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आता। तभी टोमोई किरिको की कहानी बताने लगती है और बोलती है कि किरिको काफी अच्छी लड़की थी, सभी लोग उसे पसंद करते थे, पर अचानक से उसे एक बीमारी हुई जिसके चलते उसके स्किन पर रैशेस एंड फोड़े होने लगे और उसके पूरे बॉडी पर ये फैल गए, जिसके चलते सभी लोग उससे दूर रहने लगे और वो इसके चलते डिप्रेस हो गई, और गरीबी में आटा गिला ये कि वो यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के एग्जाम में फेल हो गई, वो भी अकेली और बाकी सभी स्टूडेंट पास हो गए थे। एक और रीजन ये था कि किरिको एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था टाकासाकी कुन, पर जब किरिको ने उससे ये बात बताई तो उसने कहा कि वो तुमसे नहीं टोमोई से प्यार करता है। अब सभी बातों से परेशान होकर किरिको ने सुसाइड कर ली थी, तो सेनपाई टोमोई को पूछता है कि अगर किरिको के साथ ऐसा हुआ तो तुम इतनी दुखी क्यों हो, तो अचानक से ओइजा बोर्ड हिलने लगता है और उसमें ये मैसेज आता है, किरिको इस टोमोई, यानी कि किरिको की आत्मा असल में टोमोई के शरीर में घुस चुकी थी और इसीलिए टोमोई को भी स्किन पर रैशेस एंड फोड़े होने लगे थे और वो सबसे छुप कर घर में बैठी थी। तभी किरिको अपने रूप में आती है और बोलती है कि मुझे किसी ऐसे लड़की की शरीर की तलाश है जिसकी स्किन काफी अच्छी हो, और वो लड़की उसे मिल गई है जिसका नाम है नाडा, और किरिको की आत्मा टोमोई के शरीर को छोड़कर नाडा के शरीर में घुस जाती है, और उसके बाद से ही वो काफी खुश थी कि जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी बॉडी देखी थी। वो वहां से जाने लगती है, पर सेनपाई जो नाडा से प्यार करता था वो बोलता है कि हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, जिसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी ही खत्म की जाए। क्या लगता है कि नाडा के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी? हर एक के पास अपनी प्रॉब्लम्स होती है और हर किसी को लगता है कि सिर्फ उसी की प्रॉब्लम्स बड़ी है, पर ऐसा नहीं होता। फिर सेनपाई ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें हर सेकंड हर मिनट ये रिग्रेट करवाता रहूंगा कि तुमने उसके गर्लफ्रेंड के शरीर में प्रवेश किया है और तुम्हें इस शरीर में भी वो कभी भी चैन से नहीं जीने देगा। और ये सुनते ही किरिको की आत्मा नाडा का शरीर छोड़कर ओइजा बोर्ड में एंटर करती है, और ऐसा होते ही आई जल्दी से गुड बाय बोल देती है, और आप सबको पता ही होगा कि विजी बोर्ड खेलते वक्त हमेशा एंड में गुड बाय बोलना पड़ता है, और ये बोलते ही किरिको के आत्मा उस जगह से मुक्त हो जाती है और नाडा की जान भी बच जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और ये लोग अगले दिन से फिर से क्लब में बैठकर आगे के प्लान्स कर रहे होते हैं, और शुरुआत में प्रोफेसर ने सेनपाई के जो रिपोर्ट्स लेने से मना कर दिया था उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इन लोगों ने उस प्रोफेसर की इतनी मदद की थी उसके बावजूद वो प्रोफेसर इनको एक बार भी थैंक यू नहीं बोलता, और वो ये भी बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा कि भूत असल में एग्जिस्ट करते हैं। यानी प्रोफेसर अब भी अपने ईगो के चक्कर में था।
और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों मूवी से हमें यही सीख देने की कोशिश की गई है कि प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में होती है, चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, और कोई भी प्रॉब्लम छोटी या फिर कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बस उससे डील करते आना चाहिए। सुसाइड इज नॉट द की, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, ऐसा मूवी में दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये थी हॉन्टेड कैंपस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। अगर आपको ये मूवी देखनी है जो जैपनीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको मूवी की लिंक दे दूंगा। ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे देखते वक्त आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे, और मूवी में थोड़ा कॉमेडी टच भी दिया गया है, तो आपको ये देखने में काफी मजा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।